धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन जावेद अली मार्ग रोड पर अवैध तरीके से पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम करके वहाँ पुरानी गाड़ियाँ काटी जाती हैं और उसमें सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और उसकी वजह से पूरी गाड़ी पूरे उस क्षेत्र में जाम लगा रहता है। ओ पॉकेट सुंदर नगरी में भी गाड़ी काटी जा रही है, वहाँ भी अंदर पूरा जाम लगा रहता है, लोग आके हमसे शिकायत करते हैं। वहीं उसके पास में डीडीए का एक बड़ा ग्राउंड है के ब्लॉक के सामने सुंदर नगरी में, उस ग्राउंड में लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। कई बार मैं अवैध कब्जे हटवा चुका हूं। एक तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उपराज्यपाल महोदय डीडीए से उस जमीन पर को जिसपे बार बार कब्जे हो रहे हैं उसको उन गाड़ी काटने वाले को अलॉट कर दें, लीज पे दे दें, वो लोग किराया देने को तैयार हैं, तो कम से कम वहाँ रोड खाली हो जाएंगे, रोड पे अवैध कब्जे बंद हो जाएंगे और उन लोगों का रोजगार भी नहीं जाएगा और वो सुगमता से सरकार को पैसे रिवेन्यू देकर डीडीए को वहाँ पुरानी गाड़ियों को निस्तारण का काम अपना जारी रख पाएंगे और उनका रोजगार भी बचा रहेगा। और इसके साथ साथ नई सीमापुरी में रोड नंबर 70 पर सीमापुरी डिपो के पास पूरे रोड पर कूड़ा बिनने वाले लोग उस रोड को लगभग पूरी तरीके से बाधित किए हुए हैं, वहाँ कूड़ा बिनने का काम करते हैं। कई बार मैं वहाँ लगातार सीनियर ऑफिसर्स को लेके विजिट कर चुका हूँ, यहाँ तक कि मेयर साहब को भी लेके मैंने विजिट किया। और वहीं सुरक्षा नर्सिंग होम और कब्रिस्तान रोड नई सीमापुरी, वहाँ पे भी काफ़ी चौड़े रोड हैं लेकिन पूरे के पूरे रोड पे ही कूड़े बिनने का काम होता है। गाड़ी से निकलना तो दूर की बात है, लोग पैदल नहीं निकल सकते। तो मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि MCD अपने वहाँ उनके खाली जगह है, वहाँ खाली जगह पर उनको कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ा बिनने के काम करने के लिए उनको लीज पर जमीन दे दे, वो उसका किराया देने को तैयार हैं। और जखीरा पुल के पास MCD ने एक चिंतन नाम के एक NGO को एक बहुत बड़ी जमीन दी हुई है जहाँ कूड़ा निस्तारण का काम होता है, लेकिन मैंने वहाँ विजिट किया जाकर, वहाँ मशीनें हैं लेकिन मशीनें बंद हैं, कूड़ा निस्तारण का काम मशीन से होने की बजाय MCD की फ्री में दी हुई जमीन का टोटल मिसयूज हो रहा है। सरकारी अस्पतालों से पूरा का पूरा जो भी वेस्ट है, चाहे वो सीरिंज हो या प्लास्टिक के या दूसरे चीज़ें हों, वो उनको फ्री में दी जाती हैं लेकिन वहाँ उसका निस्तारण प्रॉपर करने की बजाय सारा उन कूड़े उठाने वाले लोगों को ही वो करोड़ों रुपये में बेच देते हैं। यानी जो फ़ायदा होना चाहिए MCD को, वो MCD को फ़ायदा नहीं हो रहा। उस जमीन को एटलीस्ट हमारे जो रैक पिकर्स हैं जो हमारे यहाँ कूड़ा बिनने का काम करते हैं उस जगह को उनको दे दें, तो कम से कम रोड खाली हो जाएंगे, रोड पे कोई कब्जा नहीं होगा और वो लोग तो उसका किराया भी देने को तैयार हैं। तो मैं आपके माध्यम से MCD से निवेदन करता हूँ यहाँ से सदन से चला जाए कि इन रैक पिकर्स को वो जो जगह उनको जखीरा में वहाँ दी हुई है या तो वही वाली जगह दे दें, क्योंकि वो चिंतन NGO तो टोटल मिसयूज़ कर रही है, उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है, करोड़ों में उस कूड़े को बेच रही है जबकि जमीन MCD ने फ्री में दी हुई है। इससे तो बेहतर यह है कि जो वास्तव में कूड़ा बिनने का काम कर रहे हैं, जो वास्तव में कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, अगर उनको जमीन दे दी जाए, मैं तो कहता हूँ वो तो MCD को किराया भी देने को तैयार है, तो उनका रोजगार भी बचेगा, रोड भी साफ हो जाएंगे और MCD को भी इससे लाभ होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।